Welcome back to my channel Love Yourself Nilufers. In today's video I am going to recreate latest or recent famous song Pani Pani by Jacqueline Fernandez Look जो कि बहुत ही trending में चल रहा है and recently मैंने इस पे एक transition video बनाया है Insta पे. अगर आपने miss किया है तो do follow me on my Instagram. जो link है description box में होगा and ID मैं screen में mention कर दे रही हूँ. एंड बहुत ईजी एलिगेंट लुक है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी. सो कीप ऑन वॉचिंग. एंड वीडियो पसंद आती है तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो. सो आई स्टार्ट विद गुड फाइव सीरम जो कि विटामिन सी एंड बी थ्री सीरम है. इसके फ्यू ड्रॉप्स लूंगी, हाथ में बहुत अच्छे से रब करूंगी एंड ऑल ओवर फेस में मैं इसको प्रेस प्रेस करके अप्लाई करूंगी. सो यू कैन गो विद एनी थिक मॉइस्चराइजर और जो भी आपके स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं. सो क्योंकि आई हैव अ ड्राई स्किन सो मैं थोड़ा सा सीरम या लाइक कुछ भी आर्गन फेशियल ऑयल है उस पर जाती हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे मैं प्राइम के लिए ब्लू हेवन का फेस प्राइमर ले रही हूँ और इसको अपने फेस के टी जोन पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी जिससे कि आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा. आपका जो बेस है वो भी स्मूथ रहेगा और आपका मेकअप जो है लास्ट लॉन्ग रहेगा. सो इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है. आप चाहो तो एलोवेरा जेल जो है इसके ऑल्टरनेटिव जो है अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट अपने ब्राउ को फिलिंग करने के लिए मैं मेबेलिन का ब्राउ पेंसिल ले रही हूँ जिसका शेड है ब्राउन. सो एक्चुअली ये मेरे हेयर कलर से थोड़ा सा मैच करता है. सो आई थॉट कि मैं ब्राउन शेड पे जाऊँ आज. सो जो भी मेरा नेचुरल शेप है उसे जस्ट मैं आउटलाइन करूँगी, साथ ही साथ फिल इन भी करूँगी एंड थोड़ा सा कर्व जैसा होता है ना वी लुक वैसा ट्राई करूँगी आउटलाइन करने के लिए. एंड देन स्पूली के हेल्प से इसे ऑल ओवर जो है अच्छे से स्मच कर दूंगी. सो इसमें आपका जो शेड है वो नेचुरल इफेक्ट आ जाता है. नेक्स्ट देन नेक्स्ट अपने ब्रावो को थोड़ा सा क्लीन करूंगी. सो विद द हेल्प ऑफ कंसीलर, आपके पास कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं. तो जो भी मेरा ब्रावो है उसे जस्ट मैं आउटलाइन करूंगी और साथ ही साथ मेरे आईज को मैं इसी से प्राइम करूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. थोड़ा सा मैं ब्यूटी स्पंज होता है उसके हेल्प से इसे अच्छे से ऑल ओवर जो है अपने लिड को ब्लेंड कर लूंगी. नेक्स्ट आई लुक से मैं स्टार्ट करूंगी इस वीडियो के लिए. सो वैसे बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाउडर से सेट करूंगी. आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं. सो यहाँ पर मैं जीनो मैक्रे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और कंसीलर अप्लाई करने के बाद इसके नेक्स्ट मैं पाउडर से पहले सेट कर लूंगी. इसके बाद जो भी शैडो अप्लाई करेंगे ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग में आपको ईजी मिलेगा. लाइक ईजी स्टेप है अगर आप पाउडर के बाद सेट करते हैं उसके बाद. सो यहाँ पर मैं बी परफेक्ट कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट ले रही हूँ जिसमें मल्टीपल शेडेड हैं और बहुत ही पिगमेंटेड कलर हैं. सो यू कैन सी द कौन कौन से शेड मैं ले रही हूँ. बहुत ही बेसिक सा ब्लैक ब्राउन से मैं स्टार्ट करूँगी. सो ब्राउन से पहले जस्ट मैं पहले ब्लैक जो है, आप चाहो तो इसके रिप्लेस में ना काजल से भी स्टार्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं ब्लैक शेडो पहले पिक कर रही हूँ एक एंगल ब्रश के हेल्प से. एक क्रीज एरिया में इनर कॉर्नर से ना एक थोड़ा सा हाफ ऑफ माय लिड आप कह सकते हैं क्रीज एरिया, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी. देन उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी. ब्लेंड करने पे ना थोड़ा सा स्मोकी लुक जैसा आपको दिख रहा है उसमें मैंने हल्का सा ना ब्राउन शेडो भी मिक्स किया है. नेक्स्ट सेम ब्लैक शेडो जो है मैं अगेन एक एंगल ब्रश में ले रही हूँ और अपनी क्लोज टू माई लैश एक जैसे विंग क्रिएट करते हैं ना हम लाइनर से, जस्ट वैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करूँगी. बिकॉज इस लुक में ना ज़्यादा कुछ लाइक ड्रामेटिक नहीं है, आपको जस्ट काजल या फिर शेडो ब्लैक शेडो जो है स्मोक आउट करना है आपके लिप में. सो वैसा कोई भी आप सिमिलर कलर जो है पिक कर सकते हैं. तो यू कैन सी मैंने ब्लैक शेडो से जो है अभी तक मैंने काजल इसमें अप्लाई नहीं किया है, उसी शेडो से ना एक विंग क्रिएट किया है जैसे नॉर्मली हम करते हैं और साथ ही साथ स्मोक आउट लाइक मैंने इसको स्मज भी कर दिया है. देन सेम इसी के ऊपर मैं ब्राउन शेडो पिक कर रही हूँ. जैसे उस लुक में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ब्लैक ब्राउन जो है ना वो थोड़ा सा स्मोक आउट है, मर्ज किया हुआ है. सो इसी के जस्ट ऊपर करने से ना ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है. अगेन मैं ब्लैक शेडो से ना अपना क्रीज एरिया ना उसे भी थोड़ा सा ना शार्प लुक के लिए मैं उसे भी साथ साथ कवर कर रही हूँ. नेक्स्ट सेम जो कट क्रीज है उसे मैं एक फ्लैट ब्रश से लूँगी और जो जहाँ पे मैंने अभी शेडो क्रिएट किया था उसे बहुत ही लाइट हल्का से एक लाइन ड्रॉ करूँगी कट क्रीज टाइप का. एंड देन ब्राउन के ऊपर ही ना मैं शिमरी ब्राउन पिक कर रही हूँ
और इसके जस्ट ऊपर करूँगी। इससे आपको थोड़ा सा शिमरी लुक भी आएगा एंड साथ ही साथ जो ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मूव टू बेस मेकअप। सो यहाँ पे मैं मेबेलिन सुपर स्टे शेड नंबर 220 नेचुरल बेस शेड पे जा रही हूँ, जो कि फुल कवरेज फाउंडेशन है। इसे जस्ट मैं अपने ऑल ओवर फेस में थोड़ा सा फिंगर टिप से ही पहले अप्लाई करूँगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी स्पंज या फिर आप ब्रश का हेल्प भी ले सकते हो। वैसे फुल कवरेज है सो मैंने आज ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से मैं ऑल ओवर फेस में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो इसमें क्या ना हाईली पिगमेंटेड जो आपके फेस में होगा ना वो भी बहुत लाइक आपको इसको कवर करने हाइड करने में हेल्प करता है। सो इसे मैंने ऑल ओवर फेस में अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद मैं थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी क्योंकि जैकलिन के इसमें लुक ना बहुत ही शार्प कॉन्टोर जो दिख रहा है। सो यहाँ पर मैं फाउंडेशन ले रही हूँ जिसका शेड डार्क है मिस ब्यूटी का। आप चाहो तो आपके पास कॉन्टोर पैलेट है, आप उससे भी कॉन्टोर कर सकते हो। सो ये डार्क शेड है सो इसे एज अ कॉन्टोर मैं यूज़ करती हूँ। सो जो भी मेरा जॉ लाइन है और थोड़े से फोरहेड में इसमें थोड़ा सा अप्लाई करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अगेन जो है मैं ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा क्योंकि मेरा चब्बी फेस भी है और इसमें थोड़ा शार्प लुक है। सो मैंने थोड़ा सा इसमें कॉन्टोर पे हल्का फुल्का जैसे आप कह सकते हैं ना उसमें थोड़ा सा फोकस किया है। नेक्स्ट मूविंग टू कंसीलर। सो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है एंड गाइस लेट मी टेल यू दिस इज़ द अमेजिंग कंसीलर। अगर आप सोच रहे हैं लेना, एक तो फुल कवरेज भी है और बहुत ही अच्छा ऑसम वर्क करता है और बजट फ्रेंडली भी है। सो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो इसे जस्ट मैं अपने अंडर आईज़ को एंड थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड चिन पे थोड़ा सा अप्लाई करूंगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अगेन इसे मैं जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो ये भी मैंने रिसेंटली परचेज किया है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसका कवरेज बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथली जो है ना ब्लेंड भी होता है। सो आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप कोई भी अच्छा हाई ब्रांडेड वाला यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे ना आपको सिमिलर वर्क मिलेगा इसका। नेक्स्ट बेस को मैं सेट करूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। जो भी पाउडर मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना जीनो मैक्रे, सेम पाउडर से मैंने सेट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं काजल ले रही हूँ। काजल आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लैम सीक्रेट का काजल लिया है। अपने बॉटम वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड देन एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे स्मोक आउट करूँगी। सो क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ उस लुक में नहीं है, सिंपल सा है और इसको जस्ट कनेक्ट करूँगी अपने आउटर जो विंग टाइप का क्रिएट किया है ना उसके साथ एंड थोड़ा सा इनर कॉर्नर में मुझे थोड़ा सा लगा कि उसमें थोड़ा सा ड्रॉ है शार्प के लिए। सो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच करके हल्का सा पॉइंट आउट किया है एंड देन मस्कारा से कोट करना है एंड फॉल्स लैश जो है अप्लाई करना है। सी ऑलमोस्ट डन है एंड यू कैन सी मैंने जो थोड़ा सा क्या था ना ज़्यादा डार्क स्मोकी लुक भी नहीं है, बहुत सिंपल एंड लाइट सा है। अगेन स्विस ब्यूटी का यहाँ पर मैं ब्रॉन्जर पैलेट ले रही हूँ जिसका शेड है 03 एंड इसे मैं अपने नोज को जो है अच्छे से कॉन्टोर करूँगी और जो भी एरिया मैंने पहले जो किया था ना हॉल ऑफ चीक्स उसमें भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी तो थोड़ा सा मुझे शार्प लुक आ जाएगा अगर कॉन्टोर पे अगर मैं फोकस जैसे मैंने आपको बताया किया है। सो इसे फिंगर टिप से ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश के हेल्प से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं एंड थोड़ा सा जॉ लाइन को थोड़ा सा मैं अच्छे से कॉन्टोर करूँगी एंड जो भी एरियाज हम कॉन्टोर करते हैं उस एरियाज को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी। ब्लश के लिए यहाँ पर मैं रिफ्रेशिंग एंड ग्रूमिंग पिंक कलर का शेड पिक कर रही हूँ। वैसे जैकलिन का ब्लश ज़्यादा इसमें नोटिस नहीं हो रहा है सो बहुत लाइट सा जहाँ पर मैंने कॉन्ट्रोल किया था ना वहीं पर हल्का बहुत ही लाइट वे से मैं थोड़ा सा ब्लश को अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी इस लुक के लिए एंड देन यहाँ पर हाइलाइटर लूँगी, यहाँ पर ग्लैम मिनी हाइलाइटर और ये मेरा बेस्ट हाइलाइटर रहा है अभी तक क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्लो फैक्टर एंड शाइन आपको देता है, यू कैन सी इन दिस वीडियो। सो जो एप्पल ऑफ चीक्स है उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ क्यूपिड चिन को। सो ऑलमोस्ट ये लुक जो है डन होने वाला है, बहुत ही सिंपल है, हर कोई इस लुक को रिक्रिएट कर सकता है। सो जब मैंने इसे कंप्लीट किया अब मैं बेस को थोड़ा सेट करने के लिए ना DIY सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूँगी। इसका लिंक मैं जो है ना आई बॉल पे या इन्फो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप घर पे बैठ के बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। सो इस ब्यूटी स्पेन से थोड़ा सा मैं इसको ना सोक कर ले रही हूँ। देन लिपस्टिक यहाँ पर अगेन मैं स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट ले रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग शेड है ये 421 लस्ट ऑन है जो कि थोड़ा सा आपको न्यूड फैक्ट भी आता है लिपस्टिक पे और थोड़ा सा ना लाइक बहुत ही लाइट सा पिंक शेड भी आएगा।
सो आपको इस लुक पे पता चल जाएगा। देन मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा ना डार्क शेड के लिए लाइक इनर लिप में ना दूसरा शेड भी मैंने पिक किया है, मे बी बहुत ही लाइट सा इनर लिप में से मैं अप्लाई करूंगी। सो यू कैन सी ज्यादा लाइनर से बिंदी क्रिएट करूंगी जैसे जैकलिन के लुक पे है, एंड चिन पे जो है 3 डॉट होते हैं ना वो अप्लाई करूंगी। एंड ज्वेलरी गाइस मैंने ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी होती है ना उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज किया है इस लुक के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड लीव योर कमेंट बिलो कि वीडियो आपको कैसी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज़।